हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आज सियासत का सुपर संडे है और जिस नाम की चर्चा हो रही है हर ओर, और वो है ममता बनर्जी। एक बार फिर से बंगाल में दीदी का दम देखने को मिला है और रुझानों में डबल सेंचुरी के साथ दीदी ने ना सिर्फ अपने किले को बचा लिया बल्कि ये भी साफ कर दिया है कि जनता का भरोसा उन पर कायम है और तभी तो 200 के पार यह आंकड़ा पहुंचा है। टीएमसी ने क्लेम किया था, यानी कि उन्होंने कहा था कि हम 200 के पार जाएंगे और इस वक्त जो आप देख रहे हैं रुझान उसमें वो 200 से ज्यादा ही है। और सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी जहां नंदीग्राम सीट पर पीछे थी अब वो आगे आ गई हैं और शुभेंदु अधिकारी पीछे चले गए हैं, तो ये बताता है कि जो इस वक्त ट्रेंड है वो टीएमसी की ओर जाता है। और एक बार फिर से ऐसा ही प्रतीत होता है कि तीसरी बार टीएमसी की सरकार बनेगी और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनेगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीजेपी जिसने दावा किया था कि हम 200 सीट जीतेंगे उसका जो ग्राफ है, यह कहें कि जो उसका जो आंकड़ा है 83 के पास आके रुक गया है, 100 को भी तक क्रॉस नहीं कर पाया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पूरे चुनाव में जो सामने निकलकर बात आई है वो है कि आखिरकार कांग्रेस कहाँ है, लेफ्ट कहाँ है, जिन्होंने कई सालों तक बंगाल में राज किया उनका सूपड़ा साफ हो चुका है। और बंगाल में अब एक तरफ टीएमसी है जो सत्ता में आएगी और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर सामने आ गई है बीजेपी। 2016 में 3 सीट थे और 2021 में 83 सीटें हैं, तो 80 सीटों का गेन होना और साथ ही साथ 15% वोट से डबल यानी कि 35% से ज्यादा वोट मिलना, यह भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं बीजेपी के लिए। तो क्या सांत्वना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने, अमित शाह ने, जेपी नड्डा ने लगातार कैंपेनिंग की बंगाल में चुनाव को लेकर, उनके पास अगर कहने के लिए होगा तो यह होगा कि हम 3 से 83 पर पहुंचे, 15% से 35% हमें वोट मिला और हम मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर सामने आए हैं बंगाल में। लेकिन टीएमसी जो दावा कर रही थी कि हम एक बार फिर से सरकार बनाएंगे वो साफ हो गया क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी 207 पर इस वक्त नजर आ रही है। और साथ ही साथ एक और व्यक्ति का जो कद बड़ा है इस चुनाव को लेकर जो अभी तक रुझान आए हैं वो है अभिषेक बनर्जी का, ममता बनर्जी के भतीजे, जिन्हें एक तरह से डिफैक्टो सीएम कहा जाता है बंगाल में, जिन्हें माना जाता है कि ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी हैं, उन्हें युवराज कहा जाता है। और इस बार जो चुनाव हुए हैं उनका पूरा दखल था कैंपेनिंग से लेके कैंडिडेट्स को चुनने तक, यहां पर अभिषेक बनर्जी का पूरा दखल नजर आया था। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता राजीव जेटली जुड़ गए हैं और साथ ही शाकिर अली नेता टीएमसी के हैं, आप दोनों का स्वागत है। शुरुआत हम कर रहे हैं शाकिर साहब आपके साथ, बधाई, 207 तक आप लोग पहुंच चुके हैं, दावा आप लोग का 200 से प्लस का था, अब आगे क्या होगा? सबसे पहले खबर मैं आपको ये दे दूं कि नंदीग्राम दीदी जीत गई है। अच्छा, और जो जो बीजेपी के लिए सबसे जो एक ही नजर पड़ा था कि नंदीग्राम में क्या होने वाला था, तो अभी अभी हमारे पास जो इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट है उसमें देख सकते हैं, तो उसमें बीजेपी लिख दिया कि दीदी जो है वो जीत गई है। और रहा सवाल कि ये खेला हो गया, जो खेला होने वाला था हो गया, खेला होबे जो स्लोगन था ये बीजेपी को समझ में आ गया। देखिए यहां पर बहुत ही सोचने, अगर इस पर अगर थोड़ा सा 2-3 मिनट का टाइम देंगे तो इस पर बहुत सारी बात सोचने को होगा। देखिए टीएमसी पर हमेशा ये आरोप लगा कि ये कटबनी की सरकार है, तोलाबाज की सरकार है, कोयला घोटाले की सरकार है, गौ पचार की सरकार है, लेकिन जितने भी करप्शन वाले लीडर थे, ये करप्शन वाले लीडर को जब पार्टी टारगेट किया कि ये लोग को टिकट नहीं देना है, निकालना है, तो ये क्या किए कि ये लोग धीरे से अपना रास्ता बना लिए भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी जो है इनको अपने वॉशिंग पाउडर से धो के सादा कर दिए। और यही नहीं, टीएमसी से आए हुए भारतीय जनता पार्टी में 150 लोगों को टिकट दिया, 294 सीट में 150 लोगों को टिकट दिया, पुराने लोगों को छटाई करके जिनके लीडरशिप में 2019 के लोकसभा में 18 सीट बीजेपी पाई थी, लेकिन उन लोगों को बाद करके 150 सीट तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले को मिला। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रक्चर खड़ा है वो उसका बेसमेंट है तृणमूल कांग्रेस के भगोड़े और जो करप्शन में जुड़े हुए थे उन नेताओं के द्वारा। अब इनके पास चेहरा भी नहीं है कि इनका मुख्यमंत्री कौन होगा। हमारे पास 2011 का चेहरा दीदी थी, 2016 का चेहरा दीदी थी, 2021 का चेहरा दीदी है। इनके पास जो भी है आउटसाइडर, आउटसाइडर का मतलब
इसलिए आउटसाइडर बोलना पड़ता है कि कोई अगर मध्य प्रदेश से आता है तो बोलता है कि हम मध्य प्रदेश मॉडल लगाएंगे, कोई गुजरात से आता है नेता बोल के जाता है गुजरात मॉडल, कोई बोलता है कि उत्तर प्रदेश आके योगी मॉडल लगेगा, लव जिहाद होगा, इसको रोमियो स्क्वाड बनेगा। लेकिन पहले बंगाल के कल्चर को समझिए कि यहाँ की जनता प्रेम प्रेम की मिट्टी, और यहाँ हिंदू मुसलमान बंगाली एक साथ क्रिश्चियन एक साथ रहते हैं, और बंगाल की मिट्टी को ना समझ के, बंगाल के थिंकिंग को नहीं समझ के, उनके नफ्स को नहीं पकड़ के आप जो है पूरे लाओ लश्कर लेके चुनाव लड़ने के लिए उतर गए, जबकि आपके पास बूथ कर्मी भी नहीं है, ब्लॉक के सभापति ठीक से नहीं है, तो आप क्या किस चीज को लेके आप चलिए। शाकिर अली जी, आपने इतनी सारी बातें बोली लेकिन एक बात तो आप मान लीजिए ना कि देखिए, आपके लिए प्रचार करने के लिए तो जया बच्चन भी आई थी, आपके लिए प्रचार करने आपको तो सपोर्ट बाहर के लोगों से भी मिला था, इसके अलावा आपको आपको झारखंड से भी सपोर्ट मिला था, तो बाहर से लोग आपके लिए भी आए थे, लेकिन कुल मिलाकर एक बात तो मानेंगे, आज के वक्त में आपके सामने सबसे बड़ा विपक्ष बीजेपी है और कोई नहीं है, इसको आप नकार नहीं सकते। देखिए दोनों बात मानेंगे, देखिए जया बच्चन बंगाल की बेटी है, और दूसरी बात है कि आज विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी आया है, ठीक है, उनका वेलकम है विपक्ष में, लेकिन जो 200 का ये जो नारा देकर और बंगाल के आबो हवा को माहौल को जो खराब करने का कोशिश किया था उसमें नाकाम रहे, और इनको जो 70-75 के करीब जो सीट मिलने वाला है जी, ये समझ लीजिए कि इनका ये इसका जवाब लेते हैं, मिल गया इसका जवाब लेते हैं, राजीव जी, राजीव जी इसका जवाब दीजिए, 200 का क्लेम किया था, कितने गुस्से में है ये, अभी तक तो नहीं बोलते थे ऐसे, चुनावों से पहले बात करने का तरीका और था, चुनावों के बाद बात करने का तरीका और हो गया, खिलाफों का मतलब सरकार नहीं आएगी तो हम राजनीति छोड़ देंगे, मैंने कहा सुनिए चैनल पर कहा, का मतलब खेला होबे का मतलब यह है कि चुनावों के बाद बताएंगे किसने उठाया था भारतीय जनता पार्टी का झंडा, चुनावों के बाद बताएंगे कौन था भारतीय जनता पार्टी का वोटर कार्डर, मतलब खेला होबे का वो मतलब है, वो बार बार इशारा किया जाता था, इतनी खौफ की जिंदगी मैंने पूरे देश के अंदर नहीं देखी राजनीतिक तौर पर जितनी मैंने पश्चिम बंगाल में जाकर के देखी, मैं 2 महीने रहा वहां पे, बहुत डरे हुए लोग थे वहां, डर किस बात का था उन्हें, डर केवल एक ही बात का था, दादा को ले आइए नहीं तो दीदी हमारी ऐसी तैसी कर देंगी, दादा को ले आइए नहीं तो ऐसा हो जाएगा, बड़े बड़े व्यापारी से बात करी तो व्यापारी भी ये कहते थे कि हमें केवल एक ही बात का डर है कि आप या तो पूर्ण बहुमत से टीएमसी की सरकार बने या पूर्ण बहुमत से इनकी बने, तो हमने पूछा टीएमसी की क्यों बने जब आपके अंदर खौफ है, तो उन्होंने कहा कि अगर टीएमसी की सरकार ना बनी तो कत्लेआम हो जाएगा सड़कों के ऊपर और वो हमारा जीना हराम कर देंगे, मैन टू मैन मार्किंग की जाती है यहाँ पे, और अगर उनकी सरकार बनी तो आपके कार्डर को खत्म कर देंगे, वो जो भी आपका वोटर होगा सपोर्टर होगा वो उनको जीने नहीं देंगे वहां पे। मैं आपको झारग्राम की बात बता रहा हूँ, झारग्राम जो पश्चिम बंगाल में कलकत्ता से काफी दूरी पर है, झारग्राम का एक एक व्यक्ति डरा हुआ था, डरा इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं, ये सुनिश्चित करिएगा कि हमारी सुरक्षा वहां पर बनी रहे। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, आज दिक्कत ये नहीं है कि टीएमसी की कितनी सीटें आई हैं, हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कम से कम पश्चिम बंगाल की जनता को शांति से रहने दीजिए, उनके भी विचारधारा अपनी हो सकती है, अपने विचारों को प्रकट करने दीजिए, पूरे देश के अंदर ऐसा अकेला प्रदेश होगा जिसके अंदर विचारधारा प्रकट नहीं कर सकते आप वहां पर एक रेडी वाले ठेले वाले से पूछ के देखिए कि क्या आप अपने किस पार्टी को वोट करते हैं, किसका समर्थन करते हैं, उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बता पाए वहां पे, क्योंकि डर का माहौल है वहां। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं, आज कम से कम अगर किसी को मिठाई खिलानी है ना जीत की, तो मिठाई ना खिलाकर इतना बात कह दे कि आपके कार्यकर्ताओं को, आपके सपोर्टर को, आपके वोटर को, जो भी ओपन विचारधारा रखता है उनके साथ हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। राजीव जी, आपके इस बयान से मैं एक मत हूं, क्योंकि लगातार ममता बनर्जी ने अपने सभी रैलियों में कहा था कि 2 मई के बाद रिजल्ट आने के बाद जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो चली जाएंगी, उसके बाद हम आपको देखेंगे। शाकिर साहब, हर मंच से ममता बनर्जी का ये कहना, क्या आपको लगता नहीं है लोगों के अंदर खौफ होगा और अब और ज्यादा डरे होंगे कि आपकी सरकार आएगी आप तो छोड़ेंगे नहीं उनको? देखिए, पैरामिलिट्री फोर्स और सेंट्रल फोर्स, उत्तर प्रदेश फोर्स और सबको जब बंगाल में घुसाया गया तो 1.5-2 महीना से बंगाल में डर का माहौल पैदा हो गया था, और उसका आपने देखा होगा कि शीतलकुठी का जो घटना हुआ, 5 लोगों को मारा गया सीआरपीएफ के गोली से। शाकिर साहब, एक बात बताइए, डर का माहौल होता तो क्या 80% वोटिंग होती, और अगर डर का माहौल होता तो क्या आपको 200 से ज्यादा सीटें मिलती? हम यहाँ पर यह बता रहे हैं कि आपकी नेतृत्व जो करने वाली, आपकी लीडर, जब खुलेआम ये कहे कि हम आपको देख लेंगे 2 तारीख के बाद, उस पर आप जवाब नहीं देंगे, क्या लोग डरे नहीं होंगे? नहीं, हम जनता से उनको नहीं कहे देखने के लिए,
हमने जो जो बाहर के लोग आके यहाँ भय फैला रहे उनको हम लोग कहते कि 2 तारीख के बाद देखिए शाकिर साहब, और आज देखिए वो बांग्ला में बोलती थी, बांग्ला आप भी समझते होंगे, मैं भी समझता हूँ बांग्ला में उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने साफ साफ ये कहा था और किसको कहा था ये सबको पता है। इस पर बताइए नजर खुल के, ठीक है आपके 200 से ज्यादा सीटें आ रही हैं, सरकार बना रहे हैं, लोगों को तो आश्वासन तो दीजिए, जो विरोधी हैं उनको भी कम से कम जीने का हक मिलेगा। गलत नहीं बोल रहे जेटली जी, एकदम जीने का हक मिलेगा, लेकिन जो बाहर से लोग आए थे दीदी उनको ही बोले थे कि हम 2 तारीख के बाद उनको देखेंगे। और देखिए कहने का मतलब है कि जिस तरह से सेंट्रल फोर्स ने आके धमकाना चमकाना और वोट देना है तो इसको देना है, और ये जो ग्राम गांव गांव में लोग किए थे तो इससे 1.5-2 महीना से भय का माहौल हो गया था। यही बात दीदी बोल रही थी कि हम 2 तारीख के बाद देखेंगे। पीछे तो रह सकता है लेकिन बाहर से अगर कोई दिल्ली से हरियाणा से उत्तर प्रदेश से बिहार से कहीं से मध्य प्रदेश से जा रहा है तो वो भारी हो गया। ये क्या कल्चर बना रखा है आप लोगों ने वहां? आपको आपकी सीटें बढ़ रही है, आप जीत रहे हैं, बधाई है आपको, लेकिन एक बात का आपसे आग्रह किया जा रहा है बार बार, ऐसा वायलेंस ऐसा क्रूर रवैया मत अपनाइए। बाहर से तो बहुत लोग दिल्ली के लोग बहुत सारे बाहर से वहां रहते हैं, ये क्या बार 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 आपने लगा रखा है? अरे भाई हमने अंदर अब अंदर आ गए, हम 83 पे हैं, अब हम अंदर के हैं, बाहर नहीं है, अब हम ही लड़ना है आपसे। आपके आपकी क्रूरता से पश्चिम बंगाल की जनता की सुरक्षा हम ही ने करनी है, अब बाहरी नहीं है हम, अब हम पश्चिम बंगाल के हैं। दिल्ली जाके हम बोलेंगे कि हम बंगाल मॉडल लाएंगे, हम बिहार से जाएंगे दिल्ली तो बोलेंगे बिहार मॉडल लाएंगे, दिल्ली को बिहार मॉडल बनाएंगे, बंगाल मॉडल बनाएंगे, आप बंगाल आके बोलते गुजरात मॉडल बनाएंगे, आप बोलते हैं पश्चिम दिल्ली बोले मध्य प्रदेश मॉडल बनाएंगे, उत्तर प्रदेश 10 बड़ी योगी राज करेंगे, तो ये कैसे हम मान लेंगे, ये कैसे मान लेंगे? एक ही विचारधारा पैदा कर रखी है, विचारधारा बदल रहना चाहिए, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश मॉडल रहना चाहिए, दिल्ली मॉडल रहना चाहिए। देखिए क्या हालत है पश्चिम बंगाल के, गुजरात में हमारे कोई मान सम्मान है कि हमारे प्रदेश में किसी सम्मान है कि हमारे प्रदेश का कोई सम्मान है कि आप बंगाल को गुजरात मॉडल क्यों बनाए? लड़ेंगे ये लड़ाई थोड़े नहीं अच्छा, कहना क्या शाकिर साहब, राजीव जी, शाकिर साहब, राजीव जी, चलिए जिसका जिसका जिक्र हो रहा है बाहरी जी, बाहरी का जो मुद्दा है, एक मिनट सर, बाहरी का जो मुद्दा है, कहीं आपको लगता नहीं है राजीव जी इस नैरेटिव को ठीक से जमीन में उतारने को लेकर टीएमसी सफल रही और इसी का नतीजा ये रहा कि आप लोगों को बाहरी बता दिया गया और यही नतीजा कि 205 पे देखिए कि आज टीएमसी है, आप इसमें नाकामयाब रहे इस नैरेटिव को बदलने में? राजीव जी मुझे लगता है हम कामयाब रहे, हम 3 पर थे, हम 83 पर आए, हम कामयाब रहे, बस यही तो बोले सीटें बढ़ी, अब ये सरकार किसकी? सुन लीजिए शाकिर साहब, सुन लीजिए, हम कामयाब इसलिए रहे, मैं आपको बताता हूं, पश्चिम बंगाल के एक एक गांव के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का काडर पहुंचा है, भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर तैयार हुआ है, पश्चिम बंगाल की विचारधारा में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा घुसी है, पश्चिम बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी को एक राजनीतिक पार्टी मानती है जो उनकी सुरक्षा कर सकती है, रक्षा कर सकती है। अरे हमने तो बहुत कुछ पा लिया, हमने तो बहुत कुछ पा लिया, सरकार नहीं बनी लेकिन हमने बहुत कुछ पा लिया। चलिए हम आज भी एक बात कहते हैं आपने आपने आज बहुत बड़ी चीज खोई है और इसका भुगतान आपको, अपने पार्टी के नेताओं को नेता बनने जा रही है, ममता दूसरी डिबेट में दूसरी डिबेट में मत बोलिएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इन्होंने कहा हमारे नेता जो भ्रष्ट थे उनको भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया। अरे आपका जो सबसे बड़ा स्तंभ है ना भाईपो, अरे भाईपो आपका सबसे बड़ा स्तंभ है, वो तो खुद उगाही के मामले में फंस गए हैं, वो तो खुद उगाही करते हुए पकड़े गए हैं, बताइए उनको कौन सी राजनीतिक पार्टी कौन से सर्फ से धोएगी, कौन सी वॉशिंग मशीन में डालेगी? अरे दीदी पीसी और भाईपो राजनीति अच्छा, लेकिन राजीव जी देखिए आरोप जो लगा रहे हैं, ऐसे कई नेता हैं, कई ऐसे नेता जिन पे आरोप लगे जो आपके साथ अभी हैं, राजीव जी इस पे मत बोलिए क्योंकि आरोप दोनों ही तरफ जो नेता उन पर लगे हुए हैं, लेकिन एक बात आप बताइए शाकिर साहब, आप कह रहे थे बाहरी है बीजेपी, आप उनको बाहरी बोलते बोलते घर पे लाके बैठा दिया, 85 सीटें भी दे दी, जो आपके घर के थे लेफ्ट वाले उनको आपने हटा दिया, अब बताइए बाहरी कौन हुआ? देखिए इस पर थोड़ा सा चिंता का विषय करना पड़ेगा, क्यों? जब शुरू में देखिए आपके ही चैनल पर स्टार्टिंग में जब ट्रेन जा रहा था, माने ये जो रुझान आ रहा था
तो देखिए यहाँ सरकारी अमला जितने भी हैं 34 साल जब वामफ्रंट थे उनके जमाना में जो नौकरियां हुई और जिस तरह से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जो वोटर है वो वोटर हम देख रहे थे कि पोस्टल बैलेट जो है वो पोस्टल बैलेट में उनका जो है 2 सीट पे बढ़त और भारतीय जनता पार्टी 98 सीट और तृणमूल 100 सीट। तो हम पोस्टल बैलेट में देख रहे हैं कि जो सबसे जो स्ट्रॉन्ग संगठन है कम्युनिस्टों का वो है कर्मचारी संगठन, उनका वोट जो है 2 और बीजेपी 98। ये हमको समझ में नहीं आया कि ये वोट किधर स्विंग किया है। अगर हमको तो लगता है कि ये वोट बीजेपी की तरफ स्विंग किया है और जो पिछले बार 75 सीट था वामफ्रंट और कांग्रेस का वो ये बीजेपी को मिल गया, हमको यही लगता है क्योंकि हमारा जो आंकड़ा था 211 तो वो तो आंकड़ा का तो हम अच्छा शाकिर साहब, लेकिन एक बात तो मान लीजिए आप बाहर ही नहीं रहे, बीजेपी वाले बाहर ही नहीं रहे, अब वो आपके घर के हो गए, आपके साथ ही बैठेंगे विधानसभा में? नहीं देखिए चुनाव चुनाव है, चुनाव में जिनको जनता राय दिए है वो जरूर बैठेंगे। और जो है हमारी ममता बनर्जी अब दिल्ली के पार्लियामेंट में और बैठेंगी, इंतजार करिए 24 का देश की नेता। चलिए ममता बनर्जी पार्लियामेंट में बैठेंगी, किस तरह से बैठेंगी इस पर बात करेंगे और राजीव जी से इसका जवाब लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ, वापस आ रहे हैं। सुरभि शर्मा, खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।